नमस्कार, मैं श्रीमती विनीता शर्मा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी स्वरचित नई प्रस्तुति अम्बा की व्यथा। अभी हाल में ही केरल राज्य में जो एक गर्भवती हथिनी के साथ घटना हुई, उसे अनानास में ज्वलंतशील पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया और 3 दिनों तक तड़प तड़प कर उस गर्भवती माँ ने अपनी जान दे दी। यह पूरे मानव जाति के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमारी धरती विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भरी हुई है। यदि हम इनका संरक्षण करेंगे तभी हमारी प्रकृति भी संतुलित रहेगी। यह वर्ष भी जैव विविधताओं के संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है। ज़रूरत है इन मूक प्राणियों के प्रति दया और संवेदना की। आइए सुनते हैं अम्बा की व्यथा। मैं हूँ अम्बा, वन में स्वच्छंद विचरण करती एक जीव। खिलाकर विस्फोटक तूने मानव कर दिया मुझे निर्जीव। कसूर क्या था मुझ निर्दोष का यह मैं जान न पाई। करके भरोसा तुझ पर मैंने जान गवाई। तेरा और मेरा तो रिश्ता था सदियों पुराना। गाते थे तेरे पूर्वज मेरा ही तराना। बनके रक्षक बनके सवारी युद्ध भूमि में राजा महाराजाओं की जान बचाई। बैठा कर तुझको मैं मीलो चली। बोझा भी ढोया पत्थर भी लादा। असंख्य किले भवनों मंदिरों का निर्माण कराया। पर कभी तुझ पर एहसान न जताया। तू भी तो गुनगुनाता। हाथी मेरे साथी फिर क्यों शर्मसार किया अपनी ही जाति। आज अम्बा लेकर आई अपनी फरियाद। क्यों किया तूने ये जघन्य अपराध। तू है शिक्षित विवेक ज्ञान से परिपूर्ण। फिर क्यों किया मेरे मातृत्व को अपूर्ण। अपने शिशु के लिए लेने गई थी आहार। मद में चूर तूने खिला दिया मुझे ज्वलंतशील पदार्थ। मेरी तड़प की ना तूने सुनी पुकार। फिर भी ना किया मैंने तेरा नुकसान। तड़प तड़प कर जलाशय में दे दी अपनी जान। मैं मूक प्राणी सदा चाहा तेरा कल्याण। लेकिन तूने कभी ना किया मेरा सम्मान। कुदरत ने सजा दिया कहर बरपाया। खौफ का मंजर चारों ओर छाया। फिर भी अपने कुकृत्यों से तू बाज ना आया। आंखें खोल और सुन अम्बा का संदेश उसी की जुबानी। देर नहीं हुई रोक ले अपनी बर्बादी। धरती माँ की गोद में खेलते कई प्रजाति। मत छीनना उनसे कभी उनकी आज़ादी। सदियों तक रहेंगे वे तेरे साथी। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये मेरी
नई रचना आप सभी को अवश्य पसंद आई। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।